जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी। और दोस्तों, आज का ये वीडियो है, ये इन्फॉर्मेटिव डिपार्टमेंट से संबंधित तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे फेक न्यूज़ बांट रहे हैं और आपको बार बार गुमराह करने के लिए बहुत सारी गलत न्यूज़ बांट रहे हैं, आपको सिर्फ भड़काने के लिए। तो आज एक दो चैनल है जिनका मैं खोलने वाला हूँ पोल, कि मतलब कितनी मतलब किस लेवल तक ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मतलब इनके एक दिन का भी ईमान नहीं है। आज कुछ और बोलेंगे, कल कुछ और बोलेंगे, और उसके लिए अप्लाइज भी नहीं करेंगे कि भाई कल मैंने गलत बोला था। तो एक ही चैनल की मैं दो वीडियो बताऊंगा आपको, एक में कुछ और बोल रहा है और एक में कुछ और। कहने का मतलब यह है कि उनको कुछ नहीं चाहिए, जो बात उन्होंने पकड़ ली वो लिख दो। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुछ सुनाने वाला हूँ, आप सुनना, और इसके बारे में फिर मैं बाद में बताऊँगा। वैसे ये वीडियो है सक्सेस टू पॉइंट, आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। सक्सेस टू पॉइंट, इन्होंने एक रिकॉर्डिंग जाहिर करके एक वीडियो बनाया है, कि इसमें इन्होंने एक रिकॉर्डिंग दिखाई है, और इसमें जो बंदा रिकॉर्डिंग बोला, पहले तो इन्होंने बोला कि इसको लीक ना करें, तो पहले तो खुद ही लीक कर रहा है, फिर बोल रहा है लीक ना करें, खुद तो खुद लीक कर रहा है, फिर बोल रहा है ये गुप्त। और गुप्त सूत्र कौन से हो गए भाई, कौन से गुप्त सूत्र है? फोर्स का कोई बंदा अंदर की जानकारी देता है गुप्त सूत्र? वो तो फिर गद्दार हो गया गुप्त सूत्र वाला। तो कोई ऐसा बंदा नहीं होगा फोर्स का जो गलत जानकारी देता है, ठीक है? और इनमें गुप्त सूत्रों वाली बात नहीं, जो आपने पूछी है ना, एक नॉर्मल बात पूछी है, ठीक है? एक गुप्त सूत्रों से पता किया, क्या पता क्या किया इसमें, कुछ सुनना इस रिकॉर्डिंग में कितना बड़ा झूठ बोला। और फिर इसी बंदे ने 5 दिन पहले एक वीडियो डाला था, उसमें क्या बोला है, ये सक्सेस टू पॉइंट है, ठीक है? सुनो, एक बार दोबारा सुनो, बोल रहा है 31 मार्च के बाद ही फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है? इसी बंदे का मैं एक दूसरा वीडियो सुनाऊंगा, आपने सुन लिया, दूसरा वीडियो सुनाऊंगा, जिसमें यही बंदा बोल रहा है कि दिसंबर की 3rd वीक में फाइनल रिजल्ट आएगा। अब यही बंदा बोल रहा है 31 मार्च के बाद रिजल्ट आएगा, ठीक है? एक ही बंदा है, एक ही चैनल है, ये सक्सेस आपको अगर दिख रहा है तो सक्सेस टू पॉइंट है, मैं चैनल का नाम भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है? साथ में बोल रहा है कि डिपार्टमेंटली इंक्रीमेंट सीट इंक्रीमेंट के लिए मतलब फाइल गई है, कोई प्रूफ है आपके पास में फाइल गई है? ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर सरकार पर दबाव नहीं बना सकती, ना रिक्वेस्ट कर सकती कि आप सीट इंक्रीज करो। वो केवल इतना रिक्वेस्ट कर सकती है कि हमको इतनी जवानों की ज़रूरत है। अब केंद्र सरकार कैसे वो भर्ती कराए, मेरिट के आधार पे कराए, पेपर दिलाए, नई वैकेंसी निकाले, पुरानी में कराए, वो केंद्र सरकार का मतलब गृह मंत्रालय का डिसीजन होता है। कोई भी CRPF, BSF, ITBP, कोई भी ऐसा कोई भी पढ़ लिखा नहीं लिखती कि आप इस वैकेंसी में सीट इंक्रीज कर दो, तो इतना बड़ा झूठ है। ऊपर से चैनल चला रहे हैं लोग, और आप लोग फॉलो करके इनको मतलब देख भी रहे हो, अरे इनकी जबानी, एक दिन की दूसरा वीडियो दिखाता हूँ अभी, ठीक है? दूसरा इसमें बहुत बड़ा झूठ कि 31 मार्च को फाइनल रिजल्ट आएगा, मतलब मार्च के बाद में। तो आप सभी को पता है कि फाइनल रिजल्ट की दिसंबर के आसपास डेट है, और जो मैंने भी वीडियो बनाया है कि दिसंबर के लास्ट में फाइनल रिजल्ट आ सकता है, वो केवल मैंने ईमेल के आधार पर नहीं बनाया है, वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और मैं 2013 से के आसपास से तैयारी करने लग गया था, तो मैंने 2013 और 2011 की वैकेंसी भी देखी थी, उसमें भी यही हुआ था। जब मेडिकल कंप्लीट हो जाता है उसके अगले 2 मंथ में फाइनल रिजल्ट आ जाता है, तो रिमेडिकल आपको पता है 15 नवंबर के आसपास तक ख़त्म हो गया दोस्तों। उसी हिसाब से मैंने बताया कि दिसंबर लास्ट तक फाइनल रिजल्ट आ सकता है, और वो ईमेल वाला भी फिर मैंने वीडियो बनाया था, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सच्चाई है, तो वो एक बात अलग। अब यही बंदा अभी इस रिकॉर्डिंग में बोल रहा है कि फाइनल रिजल्ट 1 मार्च के बाद में आएगा, ठीक है? अब दूसरी बात, ये तो फाइल चले, बोले 8-9 महीने हो गई वैकेंसी इंक्रीज, ऐसा कोई फाइल नहीं चलता है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं। हाँ, हर एक डिपार्टमेंट साल में कम से कम 2 बार सेंट्रल गवर्नमेंट को जितने उतने रिक्त पद होते हैं जो रिटायरमेंट जाते हैं, और जितने उनको नए लेने होते हैं कि हमको ये दो या चार बटालियन और खड़ी करनी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भेजते हैं कि भाई इतने हमारे पास में रिक्त पद है। सीट इंक्रीमेंट के लिए कभी नहीं भेजता, कोई प्रूफ है तो दिखा देना, ठीक है? अब इसके बाद मैं इसी बंदे का देखूँ, ईमान देखो इनका, ये बोल रहे ना 31 मार्च का। अब देखो दूसरा बंदा, दूसरा दिखाता हूँ, इन्होंने वो वीडियो भी दबा के बना रखा, ये वीडियो है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस टू
देख लेना दोस्तों ये वीडियो। हम बात करेंगे एसएससीजीडी कांस्टेबल 2018 वैकेंसी जो कि अभी भी प्रोसेस चल रही है भर्ती प्रक्रिया की। आज दोस्तों आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, बहुत बड़ी। एसएससी ने बताया कि फाइनल मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, ठीक है। जो भी ईमेल्स के द्वारा कैंडिडेट्स को, वो भी आज के डेट में है आपका 23 नवंबर, आप लोगों को पता होगा आज 23 नवंबर है और एसएससी का ये रिप्लाई है ईमेल का और ये 100% सही जानकारी है कि आप लोगों की फाइनल लिस्ट, ये खुद बोला 100% सही जानकारी है ये, अब जारी होगा। इसके पहले तो बहुत लोग चाह रहे हैं कि सभी मेडिकल फिट कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग हो तो ऐसा होगा, और देखिए बहुत लोग कमेंट्स करते हैं कि आप गलत अपडेट देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम कोई आपको गलत अपडेट, 26 नवंबर को रीमेट जारी होगा जो कि दिसंबर लास्ट वीक में, ये देखो क्या बोल रहा है एक बार और सुन लो अच्छे से। फाइनल लिस्ट आ जाएगी, महीने भी तुरा गया, इतना दिन अगर जो आप लोग वेट कर लिए हैं तो कुछ दिन और आप लोग वेट करिए। ये देखिए आपकी फाइनल लिस्ट जो कि 2020 में ही जारी होगा जो कि दिसंबर लास्ट वीक में, ये दिसंबर के लास्ट वीक में खुद बोल रहा है इस वीडियो में, ठीक है। 6 दिन पहले का ये वीडियो है और जब इन्होंने वो रिकॉर्डिंग वाला वीडियो डाला अभी 1 या 2 दिन पहले, उसमें सक्सेस 2 पॉइंट है, दोनों वीडियो देख लेना। इस बंदे का कोई ईमान धर्म कुछ नहीं है, ठीक है। 5 दिन पहले इस बंदे ने ये बोला है कि फाइनल मेट आएगी दिसंबर में, वीडियो भी बनाया पूरा का पूरा और गुड न्यूज़ का वॉलपेपर लगा रखा है, खुद ने बोला 100% सही न्यूज़ है, खुद ने बोला ये। फिर इसने वो रिकॉर्डिंग वाला लगाया, उसमें इसने बोला कि 31 मार्च के बाद फाइनल मेट आएगी, वो भी 100% सही है, वो इसको गुप्त जानकारी मिली है। तो या तो गुप्त जानकारी वाली झूठ है या ये झूठ है, खुद का कोई ईमान नहीं है एक बात पे तो रहो। तो दोस्तों इन प्रकार के चैनलों पर आप जाना बंद कर दीजिए, ये सिर्फ भड़काऊ चीज़ें बोलते हैं और कुछ नहीं, इनको कुछ नहीं पता घंटे का, ठीक है, कुछ भी नहीं पता इन लोगों को, बस हंगामा करना इनको। आप ऐसे गुमराह मत होइए, अपनी पढ़ाई ख़राब मत करिए, ये लोग कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है इनकी गुप्त जानकारी से। बस एक दिन बोल रहा है कि 31 दिसंबर को आएगी, दूसरे दिन यही बंदा बोल रहा है कि 31 मार्च बाद क्या आएगी, तो कम से कम एक बात पे तो रहा कौन सी आएगी, नहीं तो ये बोल कि हाँ पिछली जो मैंने जानकारी दी थी वो गलत है पूरी। तो या तो इस वीडियो को गलत बता या अगले को गलत बता, दोनों से ही कैसे हो सकते हैं। एक दोस्तों एक चैनल और है, एक संकल्प, ये चैनल है, ये गलत जानकारी तो नहीं देते लेकिन गैर फालतू की ये जानकारी है, इस वीडियो में आपको बताता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा बोला था कि मेरे तो मतलब अभी तक, हमने तो दोस्तों आपसे कभी शेयर नहीं किया, मेरे तो मतलब अभी तक $60 ही आए हैं, कुछ लोग यूट्यूब पर 5 दिन में 10,000 आ रहे हैं, क्यों आ रहे, उसका रीज़न है पहले तो मैं इनको बता दूँ और साथ में आपको, क्योंकि अगर आप अच्छा कंटेंट, आपकी अच्छी वीडियो, अगर अच्छी जानकारी दोगे तो लोग देखेंगे। अब ये जानकारी क्या दे रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अगर कोई थर्ड क्लास भी बच्चा पढ़ता है ना, वो भी अगर इस बात पे अगर यकीन कर ले तो भी मैं मान जाऊँगा। सुनिए, देखिए क्या बोल रहे हैं, तो वो मार्च अप्रैल मई, ठीक है, अब ये 3 महीने जो है ज्वाइनिंग चलता है, ठीक है, और इस 3 महीने में ट्रेनिंग शुरू करने का कारण यह है कि आपको हर मौसम में, यानी कि 9 से 11 महीने जब CISF में 9 महीने लगते हैं और CRPF में 11 महीने का ट्रेनिंग होता है, ठीक है, तो ये जो वक्त होता है तो आपको इतना वक्त में हर प्रकार के मौसम में आपको उस लायक बनाने के लिए, इसका नाम ही है बेसिक ट्रेनिंग। तो आपको अब देखो कितना झूठ बोल रहे हैं, अरे बोल रहे हैं कि ज्वाइनिंग चलती है सिर्फ मार्च अप्रैल मई में, ऐसा होता कहीं, मैंने ज्वाइन किया है 21 मार्च को, मेरे छोटे वाले जो भाई है उसने ज्वाइन किया 21 जून को और मेरे एक बड़े भाई साहब हैं उन्होंने ज्वाइन कर रखा 27 दिसंबर को, और क्या बोल रहे हो कि मतलब हर एक वातावरण में रह जाएगा, अरे थोड़ा सा बुद्धि लगाओ यार, 12 महीने की ट्रेनिंग होती CRPF की पूरी ओवरऑल, तो कोई से भी मौसम में अगर ज्वाइनिंग शुरू करेंगे तो वापस घूम के उसी महीने तक आ जाएगा, CISF का 9 महीने में होता है, तो अगर उसकी मार्च से शुरू करेंगे तो मार्च तक आएगा, नहीं दिसंबर में आके ख़त्म हो जाएगा, तो फिर दिसंबर वाले उसका मौसम का कैसे ट्रेनिंग होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, मौसम के हिसाब से ट्रेनिंग डिसाइड नहीं होती कभी भी। और आपकी पता है ना ट्रेनिंग कहाँ होती है, एक बंदे की होगी बेंगलोर, एक की होगी कश्मीर, एक की होगी जम्मू, एक की होगी राजस्थान, एक की होगी साउथ में, सभी जगह क्लाइमेट ही अलग है। अभी नॉर्थ में सब जगह ठंड है, साउथ में ठंड है नहीं बिल्कुल भी, जहाँ पर मैं था उधर ठंडी ना, इधर नॉर्थ में कितनी ठंड है, तो क्लाइमेट के हिसाब से कभी ट्रेनिंग होती है क्या,
खुद इंसान को हर एक क्लाइमेट में रहना पड़ता है। मुझे बताओ कि जो कश्मीर में ट्रेनिंग करता है तो क्या फिर वो धूप में आके ड्यूटी नहीं करेगा? उसको ये बोलेंगे कि धूप में ड्यूटी कराने के लिए राजस्थान की ट्रेनिंग दो, फिर ठंड की ड्यूटी कराने के लिए कश्मीर में लेके जाओ, फिर नॉर्मल वाली करवाने के लिए उसको दिल्ली की ठंड दिखाओ, फिर उसको साउथ में लेके जाओ। ऐसी ट्रेनिंग होती है कभी मौसम वाइज? बोल रहे अप्रैल मई जून में, क्या मतलब बिना सेंस की बात। फिर बोल रहे हम तो एक साल से वीडियो बना रहे हैं, हमारे तो अभी $60 ही हुए हैं, कुछ लोगों के पाँच महीने केवल पाँच दिन में 10,000 रुपये आ रहे हैं। रुपये आ नहीं रहे हैं, रुपये के लिए नहीं बनाते। जो कंटेंट बनाते हैं बिल्कुल क्लियर बनाते हैं, अगर किसी को कोई शक सवाल रहता है ना पूरा क्लियर सवाल पैदा नहीं करने देते, ये ऐसी बात नहीं बताते। इस बात में कहीं पे भी कुछ है मौसम का कोई कुछ नहीं होता ना, बेसिक नहीं, ऐसा कोई ट्रेनिंग ही नहीं है जिसमें कुछ मौसम का होता है। ठीक है, कहीं किसी भी फोर्स में आपको कभी भी ट्रेनिंग करा सकते हैं। आपकी जब साल में जो रूटीन ट्रेनिंग चलती है वो भी कोई मौसम के हिसाब से होती है क्या? पता नहीं है, आप जब फोर्स के मेंबर हो इतनी गलत जानकारी दे रहे हो कुछ भी बैठ के। भाई हमारी जब यहाँ से बेस सेलेक्ट होकर जाता है जो ग्रुप सेंटर में, तो सभी की एक साथ ट्रेनिंग हो जाती है क्या? जब दो बेस बनते हैं तब एक तो ट्रेनिंग करता है जून से और एक करता है जनवरी से, या दूसरा किसी कोई से भी 6 महीने बाद में शुरू कर देते हैं। ऐसा कहीं होता है? ऐसे ही बैठ के वीडियो मत बनाइए, ठीक है? बात अच्छी बताइए ताकि आपको भी लोग फॉलो करें। मेरी कोई पर्सनल खुन्नस वाली बात नहीं है आप लोगों से, बात अच्छी बताइए, गुमराह मत करिए किसी को, ठीक है? अगर बताना आपको अच्छी बताइए। अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ना बिल्कुल करेक्ट दीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो दीजिए मत, ताकि लड़के आपकी मतलब वीडियो जब देख रहे हैं तो वो भरोसा भी कर रहे हैं, तो भरोसा उसके भरोसा के लिए रखो। ऐसे मुंह खोल के कुछ मत बनाओ कि बेसिक ट्रेनिंग का मार्च अप्रैल और मई में ज्वाइनिंग ज़्यादा होती है। कहाँ लिखा है? मैं पूरा का पूरा बेस बता रहा हूँ आपको, 2017 में एक बेस की ज्वाइनिंग जून में हुई थी और हमारी बेस की मार्च में हुई थी, पूरा का पूरा बेस बता दूँ। और 2013 में मेरे भाई साहब की ज्वाइनिंग हुई थी दिसंबर में, 27 दिसंबर को, उनका पूरा बेस बता दूँ। क्या बात करें, कोई कश्मीर में ट्रेनिंग करता है, कोई जोधपुर में ट्रेनिंग करता है, दोनों जगह क्लाइमेट ही अलग है। जोधपुर में कितनी धूप है, कश्मीर में बिल्कुल धूप नहीं, तो क्या जोधपुर वाला कश्मीर ड्यूटी नहीं कर सकता? ट्रेनिंग में आपके शरीर में इतना स्टेमिना ये सब चीज़ें पैदा कर देती है कि आप कोई से भी मौसम में रहने के लिए लायक हो जाते हो। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिए, इन चीज़ों से बचिए। ये जो लोग आपको रियल सही और फैक्ट जानकारी दे वहीं जुड़ी है।